हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग IOQM यानी इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स 2021 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सीधे शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे है एक मोड, यहाँ पे फिर -2020, फिर पूरे का मोड है वो <5 है। क्वेश्चन में बोला है कि इंटीजर सॉल्यूशंस कितने सारे होंगे, तो आप मोड के बारे में थोड़ा सा जान लें। जैसे मैं लिखूं मोड एक्स लेस देन 2 है, इसका क्या मतलब है, x का वैल्यू अगर मैं क्या क्या पुट करूं, देखिए -1 पुट करूं, 0 पुट करूं या 1 पुट करूं, ये तीनों कंडीशन में ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि -1 का मोड क्या आएगा 1, 0 का मोड क्या आएगा 0, 1 का मोड 1 आएगा, तो -1 का मोड 1 आएगा, 0 का मोड 0 आएगा, 1 का मोड 1 आएगा, और ये तीनों किससे छोटा है, 2 से छोटा है। मैं इंटीजर सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूं, बात समझ आ रही है। दैट इज x का जो वैल्यू होगा वो किस किस के बीच होगा, -2 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। वहीं पे अगर लिखता मैं लिखता मोड एक्स ग्रेटर देन 2, तो क्या होता, यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या सेटिस्फाई करता, 3, 4, 5 और क्या सेटिस्फाई करता, -3, -4, -5। आप खुद करके देख सकते हैं, 3 में सेटिस्फाई करेगा, 4 में, 5 में, -3। इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो x 2 से बड़ा होगा या x -2 से छोटा होगा। ठीक, तो ये दोनों हम कंडीशन यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इतना आप जानते हैं अगर, तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही, चलिए इतनी बात समझ गए आप। तो बात यह है कि हमने क्या जाना, जैसे मैं लिखूं मोड एक्स ग्रेटर देन 2, इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 2 या एक्स लेस देन -2। अब जो भी पुट करेंगे 2 से बड़ा वैल्यू या -2 से छोटा वैल्यू, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर यहाँ मोड एक्स लेस देन 2 है तो ये क्या होगा, x का वैल्यू -2 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो ये वाला जो कंडीशन, मतलब ये जो वे है, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये मैं दोबारा कह दिया फिर, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -5 से बड़ा होगा कौन, मोड एक्स -2020, एक मोड अभी हम हटा रहे हैं, और +5 से छोटा होगा, लेस देन होने से ऐसा होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बताइए, -5 +2020 हमने ऐड किया इसमें भी और बीच में भी ऐड किया, तो ये तो 2020 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 2020। तो जब भी हम लोग इनइक्वालिटीज में ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2015 और ये हो जाएगा 2025। ये हमारा रिजल्ट आया, मोड एक्स का वैल्यू 2015 से बड़ा होगा और 2025 से छोटा होगा। अब बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि मोड एक्स बड़ा है ना, किससे, 2015 से। तो मोड एक्स अगर 2015 से बड़ा होगा तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक्स 2015 से बड़ा होगा या एक्स -2015 से छोटा होगा। तो एक सोल्यूशन हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात हमारे पास क्या है, x लेस देन, x का मोड लेस देन है 2025, दैट इज इंप्लाई कर रहा है कि x का वैल्यू 2025 से बड़ा होगा या x का वैल्यू -2025 से छोटा होगा। ये बात आप समझ पाए, एक ये सॉल्यूशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, अगर मैं नंबर लाइन में देखने की कोशिश करूँ तो नंबर लाइन में देखिए, अगर हम यहाँ पे 2015 लिखें नेगेटिव में और ये 2015 पॉजिटिव, बीच में कहीं जीरो आएगा, उससे पहले -2025 होगा, उसके बाद कुछ 2025 होगा, तो हमारा पहला वाला सोल्यूशन 2015 कहाँ चला गया, ये मैंने गलत कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, मैंने तो आपको पहले ही समझाया, ये वाला वैल्यू हो जाएगा हमारा x -2025 से बड़ा होगा और 2025 से छोटा होगा। सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी गलती हो गई, मैंने इसको ठीक कर दिया। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा पहला वाला सोल्यूशन 2015 से बड़ा, 2015 से बड़ा किधर होगा, 2015 से बड़ा इधर जाएगा और -2015 से इधर इधर जाएगा। ठीक है, दूसरा सोल्यूशन -2025 और 2025 के बीच में होगा, दैट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में। दोनों का इंटरसेक्शन कौन होगा, आप खुद समझ सकते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन होगा हमारा ये वाला पॉइंट, दैट इज -2025 से लेकर 2015 के बीच कौन कौन से नंबर होंगे बताइए, -2024, -2023, -2022, -2021, -2020, -2019, -2018, -2017,
-2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इधर 9 इसी तरह से हमारा क्या होगा 2015-2024 के बीच में 2024-2023 से लेकर 2016 तक तो 9 नेगेटिव इंटीजर्स होंगे और 9 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो हमारा आंसर होगा 9 × 2 टोटल कितने सारे इंटीजर्स हो गए 18 दैट इज -2025 और -2015 के बीच में कुछ इंटीजर्स होंगे और कुछ इंटीजर्स होंगे 2015 और 2025 के बीच में टोटल हमारे पास नेगेटिव 9 इंटीजर्स होंगे और पॉजिटिव 9 इंटीजर्स होंगे तो इससे हमारे टोटल जो इंटीजर्स सॉल्यूशंस हुए वो कितने हुए 18 सॉल्यूशंस हुए। उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको समझ आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें कि यहां पे ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।